बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहने पर कांग्रेस ईटक के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के घंटाघर चौक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस ईटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को छिछोरा शब्द कहकर संबोधित किया है। यह कहीं से भी सही नहीं है। यह उनकी ओछी मनोविचार को दर्शाता है। उन्हें जनता के बीच आकर माफी मांगनी चाहिए, वरना कांग्रेस ईटक इसको लेकर बृहद पैमाने पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। बुधवार को पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस ईटक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ साथ दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सभी प्रदर्शनकारियों ने जमकर सांसद मनोज तिवारी के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन किया और उन्हें ऐसे अमर्यादित भाषा को वापस लेने की बात कही। मनोज तिवारी का छिछोरापन, मनोज तिवारी का अपशब्द, ये पूरी तरह से भारत की जनता ही नहीं हमारे नेता को कलंकित करने का काम किया और ये अशोभनीय है। जितना इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। हम लोगों ने आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ उनके अमर्यादित टिप्पणी को लेकर उनका पुतला दहन किया। पैसा लेते हुए एक चपरासी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जहां सर्टिफिकेट देने के नाम पर चपरासी शिवनंदन मंडल का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के चपरासी शिवनंदन मंडल पैसा ले रहे हैं। पूछने पर शिवनंदन मंडल ने कहा कि एक रिश्तेदार के द्वारा पैसा दिया गया है, जबकि पैसा लेने देने के दौरान छात्र से बातचीत करते हुए भी वीडियो आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी वायरल हो रहा है। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर से अपने आप को छात्र व छात्राओं के लाइफ से खिलवाड़ नहीं करने की कसमें खाते हैं, जबकि उसी विश्वविद्यालय के चपरासी छात्रों से पैसा लेकर छात्रों को सर्टिफिकेट देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चपरासी के साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी भी इस कारनामे में मिले हुए हैं, क्योंकि चपरासी को क्या पता किसी छात्र का सर्टिफिकेट में किस तरह शुद्धिकरण करना है। सर ये उधर से भी बच्चे सबको बोल दो यहाँ आने के लिए, अथी के लिए, टेस्टमोनियल के लिए। हाँ, जिसको टेस्टमोनियल लेना है चार गो कोर्ट से ज्यादा नहीं बनवाना भैया। सर जरा सर बोले कि हम देंगे, आप मिलाइए उसको। जीरो टीआर मैंने था, पहले मिलाइए। बोले टीआर में जीरो नहीं था, समझे ना सर। रोल नंबर के पहले टीआर में जीरो नहीं था, इसमें तो है। उसको मतलब नहीं, हमारा रिकॉर्ड जो कहेगा वही करेंगे ना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम मिलाइए ना, उससे जीरो का मान कुछ भी नहीं आता है। हम क्या जांच देंगे सर, नहीं बताइएगा। हम क्या जांच देंगे, आप लोग हमको फंसा रहे हैं। पैसा 500 रुपए ले रहे थे, बोले और 50 दीजिए। डिग्री हाथ में था आपका, कागज पत्र डिग्री पिग्री हाथ में मेरा कुछ भी नहीं था। हमसे पैसा कुटुम आदमी था, लिया था, यहाँ घट गया था, वही पैसा दिए हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह थाना क्षेत्र के बिरनोथ गांव की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ बच्ची की बड़ी बहन के देवर के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहीं बच्ची 6 माह की गर्भवती भी हो गई है। वहीं दो बार युवक शादी करने के लिए तैयार भी हुआ। इसके बाद लड़की वालों के द्वारा सारा इंतजाम किया गया, लेकिन युवक के द्वारा 1 लाख रुपए दहेज की मांग की गई, जिसको देने में लड़की के पिता असमर्थ हो गए, जिसके बाद लड़का शादी से मुकर गया और घर छोड़कर फरार हो गया। वहीं गांव के लोगों के द्वारा भी कई बार युवक पर दबाव बनाया गया, लेकिन युवक कर नहीं आया। इसके बाद लड़की अपने माता पिता के साथ महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर बच्ची का मेडिकल करवा रही है। वहीं युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बच्ची का कहना है कि चाहे तो वह लड़का शादी करे या फिर उसे कानून सख्त से सख्त सजा दे। साल भर से आता था। कौन लड़का? क्या नाम? नाम संडी कुमार। कहाँ का रहने वाला? सरचक। सरचक का? हाँ। कौन थाना? गोराडी थाना। गोराडी, तुम्हारा घर कहाँ? मेरा घर बिंद्रोद है। बिंद्रोद बिरनोथ है, गोराडी में ही। हाँ। कैसे प्यार हुआ था? मेरा बहन का शादी हुआ है वहाँ। हाँ। उसका चचेरा भाई है। हाँ। वो यहाँ पर खींच आया था, और उसका नानी का घर है बिंद्रोदे में। हाँ। यहाँ पर आता था, जाता था। हाँ। साल भर से। हाँ। क्या कहा तुमको? हमको कहा
बोला यहाँ मेरे यहाँ आया तो बोला कि शादी नहीं करवाया था हम मरीज वो ऐसे ऐसे खूब बोलता था और हाथ काट के भेजता था और कि गलत काम भी किया। हाँ गलत काम किया है। कई बार? पांच छह बार। आप क्या कह रहा है शादी नहीं करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार नहीं है शादी। क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं शादी करेंगे। हमने तो उसको सजा दिलवानी थी। ये तो उसको सजा दिलवाएंगे। भागलपुर शहर की सड़कें ऐसे ही संकीर्ण हैं। इसके बावजूद प्रत्येक सड़कों के किनारे अवैध रूप से फुटकर विक्रेताओं द्वारा दुकान लगा दी जाती है, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर देखते ही देखते जाम में तब्दील हो जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तिलका मांझी चौक से कोतवाली तक सड़कों के किनारे अवैध रूप से चल रहे सभी फुटकर दुकानदारों की दुकानों को हटाकर फुटपाथ के क्षेत्र में हटवाया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन का अवैध रूप से बने मकानों पर जो बुलडोजर चला है वह कब अमल हो पाता है या फिर यह दुकान इस तरह से सज जाएंगी। हम लोगों को तिलका मांझी से घंटा घर चौक कचहरी चौक ये खलीफाबाग चौक कोतवाली ततारपुर स्टेशन चार जगह कर रहे हैं। किसके आदेश से ये अनुमंडल से आदेश निकला है? जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, उसी के आधार पर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। जय माता दी सेवा समिति भागलपुर के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से अध्यक्ष विजय शाह के नेतृत्व में रवाना हुआ। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर जय माता दी के जयकारों से होता रहा। माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु लगातार माता के भजनों पर झूमते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि मां वैष्णो देवी सब कुछ जानती हैं और वह सभी अंग प्रदेश और पूरे देश को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए मैया का दर्शन और पूजन करने जा रहे हैं। देखिए पिछले 42 वर्षों से इसी तिथि को यानी 27 दिसंबर को माता वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। मुझे भी जय माता दी वैष्णो ये जो ग्रुप है इसके साथ कई वर्षों से मुझे लगता है कि 10 वर्ष से ज्यादा हो गए जाने का सौभाग्य मिलता है। 100 से ज्यादा संख्या में 125-150 लोग इस यात्रा में शरीक होते हैं और पूरे भक्तिभाव से मनोयोग से साल भर प्रतीक्षा रहती है इस यात्रा की। माता की भक्ति में लोग लीन होकर जाते हैं अपने अंग प्रदेश के कल्याण के लिए, अपने देश और राज्य के को आगे बढ़ाने के लिए और सुख शांति की कामना लिए कि सबों का मंगल हो, मंगल का नाश हो, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ यह यात्रा जाती है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना का कारण खेत में पानी पटवन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। इस घटना में एक पक्ष के नाबालिग समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाबत सभी घायल अपने परिजनों संग मधुसूदनपुर थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सभी घायल को आनन फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नाथनगर में भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन का काफी दिनों से विवाद चल रहा है। एक ही जमीन पर एक पक्ष के भोला यादव दावेदारी ठोक रहे हैं तो दूसरे से पिंटू यादव का कहना है कि यह जमीन उनकी मां के नाम से है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद चल रहा है। वहीं पिंटू यादव ने बताया कि आज खेत में पानी पटवन कर रहे थे तभी भोला यादव, राकेश कुमार, किशन कुमार यादव, पुतुल देवी ने आकर जबरन मारपीट की। इस घटना में अमित कुमार, पिंटू कुमार, अमृता देवी और लड्डू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष विश्व बंधु ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है, लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। इस्कॉन के संरक्षण में अब भागलपुर के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जहां BVIS इंटरनेशनल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां अब बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी पाएंगे। यह स्कूल भागलपुर के अलीगंज में स्थित है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में स्कूल प्रबंधक एवं इस्कॉन के संतों ने इस विद्यालय के बारे में बताया कि अन्य विद्यालयों से यह विद्यालय कैसे अलग है। उन्होंने कहा यहाँ के बच्चों की फी अन्य विद्यालय से काफी कम है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा।
जब ज़्यादा होगा तब ज़्यादा, बल्कि हमारे जो संस्था का उद्देश्य केवल और केवल समाज का भला करना है। और अगर इससे हम, अगर आप इसका सैलरी फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाकी सब स्कूलों से 30-40% कम ही होगा। उसके अलावा हम ऑलरेडी झारखंड में भागलपुर में कुछ स्कूल चला रहे हैं जिसमें हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि हर बच्चे को ये नॉलेज मिल सके, उनको पढ़ाई भी मिले और चरित्र भी मिले। हमारा लक्ष्य ये कि ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हमने संस्था जो है उससे हमों को अगर कुछ धन भी आता है तो जो गरीब बच्चे हैं उनको वो मिले, हमारा उद्देश्य ही है। तो हम 25 का उससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे।